Hey everyone, welcome in Sony Educational Coaching Center. Today we are doing chapter number 17, दिन का स्वागत। ये हमारी बुक का लास्ट चैप्टर है। अब जैसा कि आपको नाम से पता लग रहा है, दिन का स्वागत, हम आने वाले मेहमान का वेलकम करते हैं, हमारे दोस्त आते हैं हम उनका वेलकम करते हैं। जिस तरीके से हम हर किसी का स्वागत करते हैं, उसी तरीके से हमारी ज़िंदगी में आने वाला हर एक दिन हमारे लिए नई खुशियां लेके आता है। इसीलिए हमें क्या करना चाहिए, हमारे आने वाले हर रोज़ के दिन का स्वागत करना चाहिए। कभी भी हमें निराश नहीं होना चाहिए। हमारा जीवन ईश्वर का अनुपम उपहार है कि हमारा जो जीवन है वो ईश्वर ने हमें दिया है और हमारे लिए सबसे खूबसूरत तोहफा है वो हमारे लिए। सर्वशक्तिमान ईश्वर ने हमें एक स्वस्थ मन, स्वस्थ शरीर, असीम क्षमताओं और असीम संभावनाओं के साथ ही इस धरती पर भेजा है। असीम मीन्स बहुत सारी। हम अपने कर्मों से अपने माता पिता और देश का गौरव बढ़ा सकते हैं। आइए पाठ पढ़कर जाने यह कैसे संभव हो सकता है। हमारा प्रत्येक दिन ईश्वर का अनमोल उपहार है। हमें एक नया दिन मिलता है जिससे कि हम अपने अधूरे छूटे कार्यों को पूर्ण कर सकें, अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकें और कदम आगे बढ़ा सकें। इसीलिए हमें प्रत्येक नए दिन का प्रसन्नता से स्वागत करना चाहिए। सुबह उठकर सबसे पहले ईश्वर को इस नई सुबह के लिए धन्यवाद देना चाहिए। इसके बाद प्रार्थना करनी चाहिए कि ईश्वर हमें अपने लक्ष्य तक पहुंचने की शक्ति प्रदान करे। हमारे द्वारा संसार में अच्छाई का विस्तार हो, इसके बाद हमें कुछ समय व्यायाम आदि को भी अवश्य देना चाहिए। व्यायाम करने से हमारा शरीर स्वस्थ रहता है, शरीर में स्फूर्ति रहती है और हमारी कार्य करने की क्षमता बढ़ती है। इसके बाद सबसे पहले हमें अपने पूरे दिन के सभी आवश्यक कार्यों की एक सूची बना लेनी चाहिए। सूची क्या होती है कि आज हमें जो जो काम करना है वो एक जगह में लिख कर रखना चाहिए, उसको बोलते हैं सूची। सूची में अति आवश्यक कार्यों को शीर्ष पर रखना चाहिए। शीर्ष मतलब सबसे ऊपर की, ये सबसे ज़रूरी काम है और ये मुझे सबसे पहले करना है। ऐसा करने से न तो हमारा कोई काम जो आवश्यक कार्य है वो छूटेगा और न ही हमारा समय व्यर्थ में नष्ट होगा। इस प्रकार हम अपने नए दिन के प्रत्येक नए पल का पूर्ण रूप से सदुपयोग कर पाएंगे। सदुपयोग क्या होता है? अच्छा उपयोग करना। जब पूरा दिन बीत जाए तो सोने से पहले ही अगले दिन के सभी आवश्यक कार्यों की एक सूची बना लेनी चाहिए कि हर रोज़ क्या होगा। अगर हम अपने कामों को लिख कर रखेंगे, उनको देखते रहेंगे तो हमें ध्यान रहेगा कि आज के दिन हमें क्या क्या काम करना है और कौन सा हमारा सबसे महत्वपूर्ण काम है और कोई काम हमारा छूट ना जाए। बिना लिखे हमारी आधी चीज़ें याद रहती है और आधी चीज़ों को हम भूल जाते हैं। जब पूरा दिन बीत जाए तो सोने से पहले ही अगले दिन के सभी आवश्यक कार्यों की एक सूची बना लेनी चाहिए। अतत पूरे दिन का मूल्यांकन अवश्य करना चाहिए और हमें शाम के टाइम ये भी देखना चाहिए। मूल्यांकन करना क्या होता है? आंकलन करना कि मैंने जो सुबह से लेके अब तक जो जो जरूरी मेरे कार्य थे, जितने मेरे कार्य थे वो मैंने किए या नहीं किए, कौन सा मेरा कार्य रह गया और रह गया तो वो क्यों रह गया, क्या कारण था उसके रहने का। इससे यह ज्ञात हो पाएगा कि हम अपने लक्ष्य की ओर कितना बढ़ पाए हैं। इस बात की भी सावधानी से जांच करनी चाहिए कि कहीं हमने अपना समय व्यर्थ तो नहीं किया। यदि ऐसा हुआ है तो अगले दिन पुरानी गलतियों को दोहराने से बचना चाहिए। फिर सुबह सुबह एक नए दिन का स्वागत पूरी प्रसन्नता के साथ करना चाहिए। यह अपने जीवन का लक्ष्य समझना चाहिए। मतलब अगर हमें कोई भी काम करना है उसकी सूची बनाना, उसका मूल्यांकन करना चाहिए और हमेशा क्या करना चाहिए, खुशी खुशी के साथ नए दिन का हमें स्वागत करना चाहिए। ये हैं आपके शब्दार्थ। फिर आता है मौखिक।
ईश्वर व्यायाम अनमोल स्वस्थ उपहार स्फूर्ति प्रत्येक क्षमता प्रसन्नता सदुपयोग धन्यवाद आवश्यक प्रार्थना मूल्यांकन। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर बताइए। हमें ईश्वर से क्या प्रार्थना करनी चाहिए? हमें ईश्वर से प्रार्थना करनी चाहिए कि हमें अपने लक्ष्य तक पहुंचने के लिए शक्ति प्रदान करें। आपका जो ये क्या है ना, इस क्या को छोड़ के यहाँ से आंसर शुरू होगा और यहाँ पे आपका फिनिश होगा। दूसरा है, व्यायाम करने से क्या लाभ होता है? व्यायाम करने से क्या होता है? शरीर स्वस्थ रहता है तथा स्फूर्ति आती है। सुबह सुबह फिर एक नए दिन का स्वागत किस प्रकार करना चाहिए? किस प्रकार की जगह आएगा? प्रसन्नता के साथ करना चाहिए। सुबह सुबह फिर एक नए दिन का स्वागत प्रसन्नता के साथ करना चाहिए। हमें अपनी गलतियों को दोहराने से बचने के लिए क्या करना चाहिए? हमें अपनी गलतियों को दोहराने से बचने के लिए तो यहाँ तक आएगा। इसके बाद अपने कार्यों की सावधानी से जांच करनी चाहिए। फिर आते हैं आपके लिखित क्वेश्चन। फर्स्ट है, हमें नया दिन किस लिए मिलता है? हमें नया दिन, यहाँ से यहाँ तक, हमें नया दिन अपने अधूरे छूटे कार्यों को पूरा करने के लिए मिलता है ताकि हम अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकें और अपने कदम आगे बढ़ा सकें। प्रत्येक सुबह उठकर हमें क्या करना चाहिए? प्रत्येक सुबह उठकर हमें ईश्वर को नई सुबह के लिए धन्यवाद देना चाहिए। आपका आंसर यहाँ से शुरू होगा। प्रत्येक सुबह उठकर हमें ईश्वर को नई सुबह के लिए धन्यवाद देना चाहिए। फिर आता है, हमारा कोई भी कार्य न छूटे इसके लिए क्या करना चाहिए? हमारा कोई भी कार्य न छूटे इसके लिए हमें क्या करना है? हमें पूरे दिन के कार्यों की सावधानी से सूची बना लेनी चाहिए। यहाँ से यहाँ तक आपका क्वेश्चन में से आएगा और ये आंसर है। इसके लिए हमें पूरे दिन के कार्यों की सावधानी से सूची बना लेनी चाहिए। अपनी गलतियों को दोहराने से बचने के लिए हमें क्या करना चाहिए? अपनी गलतियों को दोहराने से बचने के लिए हमें तक क्वेश्चन से आएगा, अपने कार्यों की सावधानी से जांच करनी चाहिए कि कहीं हमने अपना समय तो व्यर्थ नहीं किया। फिर आते हैं आपके फिल इन द ब्लैंक्स। प्रत्येक नए दिन का स्वागत प्रसन्नता से करना चाहिए। क्या आएगा? कौन से का? नए दिन। व्यायाम करने से हमारा स्वस्थ रहता है क्या? शरीर। हमारे द्वारा संसार में किसका विस्तार हो? अच्छाई का। सोने से पहले कार्यों का क्या करना चाहिए? मूल्यांकन। फिर आते हैं, सही उत्तर पर सही का निशान लगाइए। हमारा प्रत्येक दिन कैसा उपहार है? अनमोल। हमें प्रतिदिन कुछ समय किसे देना चाहिए? व्यायाम को। सोने से पहले क्या अवश्य करना चाहिए? कार्यों का मूल्यांकन। फिर आते हैं, क्या लक्ष्य प्राप्ति का मार्ग आसान होता है? इसे आसान कैसे बनाया जाता है? लक्ष्य प्राप्ति का मार्ग आसान नहीं होता, उसे आसान बनाने के लिए हमें क्या करनी पड़ती है? कड़ी मेहनत करनी पड़ती है। प्रत्येक दिन एक नया दिन है, प्रत्येक नए दिन का स्वागत प्रसन्नता के साथ करना क्यों आवश्यक है? क्योंकि भगवान ने हमें नया दिन दिया है ताकि हमारे जो अधूरे कार्य हैं उनको हम पूरा कर सकें, दूसरों की भलाई कर सकें और अपने जीवन के लक्ष्य को प्राप्त कर सकें। इसीलिए हमें नए दिन का स्वागत खुशी के साथ करना चाहिए। अब आता है हमारा स्वर्णाम। स्वर्णाम क्या होते हैं? जो संज्ञा को हटाकर उसके स्थान ले ले वो हमारा स्वर्णाम। कि वो शब्द जो संज्ञा के स्थान पर यूज होते हैं उनको कहते हैं स्वर्णाम। यह वह इसका उसका ये सारे क्या होते हैं? स्वर्णाम होते हैं। पाठ में से कुछ स्वर्णाम शब्द चुनकर लिखिए। अब यहाँ पाठ में हमारा, इसके, इस, हमने, हमें, हमारे, हमारी, अपना, हम, अपने, इससे, जिससे, ये सारे शब्द क्या है? स्वर्णाम है। इसके बाद आता है पर्यायवाची लिखिए। पर्यायवाची शब्द क्या होते हैं? एक शब्द के अनेक अर्थ पर्यायवाची कहलाते हैं। जैसे प्रसन्नता, प्रसन्नता को हम क्या बोलते हैं? खुशी। काल, समय, सुबह, प्रातः, शरीर, तन, या इसको गात भी बोलते हैं। ईश्वर, भगवान, लक्ष्य, मंजिल, दिन, दिवस, कार्य, काम। इसके बाद आता है वचन किसे कहते हैं? जिन संज्ञा शब्दों से हमें संख्या का बोध होता है उसको कहते हैं हम वचन।
वचन कितने प्रकार के होते हैं? वचन दो प्रकार के होते हैं, एक वचन और बहुवचन। एक वचन का मतलब क्या होता है? जब हमें किसी एक संख्या का पता लगता है वो एक वचन होता है, और जब हमें एक से ज़्यादा संख्याओं के बारे में पता लगता है उसको बोलते हैं हम बहुवचन। अब उसने हमें कहा कि पाठ में आए एक वचन और बहुवचन लिखिए, दिन, कदम, प्रार्थना और हमारा, ये तो हमारे एक वचन। कार्यों, अधूरे, गलतियों, दोहराने, ये क्या है? हमारे बहुवचन। फिर आती है आपकी क्रिएटिव एक्टिविटी। हमें नए दिन का स्वागत प्रसन्नता के साथ करना चाहिए, साथ ही हमें अपने समय को नष्ट नहीं करना चाहिए। क्या आप भी अपने समय को नष्ट करते हैं? आप अपने समय का सदुपयोग कैसे करेंगे, सोचकर बताइए। ये है आपके लिए क्रिएटिव एक्टिविटी, आप इसको कीजिए। ये हमारी बुक का लास्ट चैप्टर है। अगर आप लोगों को जो हमारे आदर्श पर्सन पत्र है इनके आंसर चाहिए तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट करके बताइए, ताकि मैं आपको वीडियो बना के दे सकूं। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल का आइकन दबा लीजिए, ताकि नए आने वाले वीडियोज़ के आपको नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक यू।